शाम के 6 बजते ही सड़कों पर उतरा प्रशासनिक अमला और बाजार बंद कराकर लॉकडाउन का किया आगाज। इसी दौरान धारा 144 का उल्लंघन कर रहे लोगों पर कोतवाली में हुई FIR भी दर्ज। जी हां, मध्य प्रदेश में निरंतर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर चिंतित सरकार द्वारा शनिवार रविवार संपूर्ण लॉकडाउन का लिया गया निर्णय, जिसका आगाज शुक्रवार की शाम 6 बजे जिला कलेक्टर संजय कुमार, एडीएम AK चंदेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं SDM अशोक सिंह चौहान, SDOP सुमित अग्रवाल, कोतवाली TI धनेन्द्र भदौरिया द्वारा प्रशासनिक अमले के साथ शांतिपूर्ण तरीके से लॉकडाउन की अपील कर कराया गया बाजार बंद, जिसके चलते सतर्कता बरतते हुए दतिया कलेक्टर ने कहा कि शायद अभी लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें समझाया जा रहा है। तो वहीं पुलिस व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने भी दिया आश्वासन। इस दौरान एडीएम AK चंदेल लॉकडाउन के दौरान छूट एवं 2 गज दूरी मास्क है जरूरी के तहत महत्वपूर्ण जानकारी दी, जहां इस दौरान हर चौराहे पर पुलिस की तैनाती एवं पेट्रोलिंग पर लगी हुई है जिला पुलिस, साथ ही हर गतिविधि पर अपनी पैनी निगाहें प्रशासन जमाए हुए है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए एवं लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर संभव प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। आखिर क्या कुछ कहा साल के प्रथम लॉकडाउन को लेकर जिले के अधिकारियों ने? सोमवार प्रातः 6 बजे तक बंद रहेगा, केवल दूध की दुकानें सुबह 7 से 9, शाम को 5 से 8 बजे तक खुली रहेंगी, बाकी सभी मंदिर और इत्यादि सभी बंद रहेंगे, थाने सब बंद रहेंगी, मेडिकल को छूट दी गई। आज जो आज आप बाजार बंद करा रहे हैं, दुकानें बंद करा रहे हैं, और आपके क्या आगे संदेश है? अभी संदेश है कि मास्क लगाइए, 2 गज दूरी रखी है और कोरोना की चेन को तोड़ना है। इसलिए 2 दिन 60 घंटे लगातार हम इनको यदि तोड़ देंगे तो हो सकता है कि टूट जाए। थैंक यू सर। बहुत लंबा शहर में कोरोना का संक्रमण का जो रफ्तार है बहुत तेज हो गया है। फिलहाल रफ्तार को कम करने के लिए जरूरी है कि पब्लिक का जो कांटेक्ट है वो थोड़ा कम हो, आपसी संपर्क और संसर्ग को कम किया जाए, और इसी के लिए शासन ने लॉकडाउन 60 घंटे का आज शुक्रवार को शाम 6 बजे से अगले सोमवार को सुबह 6 बजे तक उसको इन्फोर्स कर रहे हैं। बाजार तो पूरा बंद है, लोग सड़कों पे थोड़ा सा वो अपने ऑफिस से दफ्तर से काम से लौट रहे हैं, वो थोड़ा मूव कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट डे है तो कई लोगों को पता नहीं है, उसको इन्फोर्स कर रहे हैं, कोशिश करेंगे इसको सफलतापूर्वक लागू करें। पुलिस की लगातार हम लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं और हमने हर फील्ड में मोबाइल लगाई हैं और थाना प्रभारी लगाए हैं, तो SP साहब, मैं SP, हमारे SDOP साहब, सभी थाना प्रभारी हम लोग दिख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हम लोग जा रहे हैं, सभी दुकान सभी लोगों का मूवमेंट को समझाइश दे करके घरों के अंदर कर रहे हैं और उसको समझाइश दे रहे हैं। अब लॉकडाउन है और शाम को 6 बजे से लेकर सोमवार को 6 बजे तक सुबह तक, इसलिए आपको अपने से होना चाहिए। सर दतिया शहर में किस किस जगह अपनी ये पुलिस प्रशासन लगा हुआ है? जो हर चौराहे पे हमारा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, हर गली में हमारा मूवमेंट है, हमने जो है 10 यहाँ मोबाइल चलाई है, बाकी सब वरिष्ठ अधिकारी घूम रहे हैं और जितने नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ लगातार 4-4, 5-5 मोबाइल लगाई है और हर थाना प्रभारी को वहाँ प्रभारी बनाया गया है और सभी क्षेत्र जो है 100% बंद कराया है। जो हाईवे का जो मूवमेंट है थोड़ा बहुत दो बस थोड़ा बहुत चल रहा है, उसको भी हम समझाइश दे सकते हैं। थैंक यू। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।